कोशिका विभाजन की प्रक्रिया दो चरणों में होती है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया दो चरणों में होती है, दो फेज में होती है। नंबर एक नाभिक का विभाजन ए पार्ट, न्यूक्लियस का विभाजन, और नंबर दो बी पार्ट कोशिका द्रव्य का विभाजन। साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ये दो चीजें समझना है आपको, इससे पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे ये कोई सेल है, ये न्यूक्लियस है, अब डिवीजन होगा तो सबसे पहले नाभिक का विभाजन होता है। देखिए न्यूक्लियस दो भागों में बंट जाता है, और फिर इसके बाद अब ये कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो यहां पर ये दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं, इसी को सेल डिवीजन कहा जाता है। तो आप देखिए सेल डिवीजन में दो प्रोसेस है। सेल डिवीजन कोशिका विभाजन में पहले चरण में यहां देख रहे हैं, यहां नाभिक का विभाजन हो रहा है। नाभिक का विभाजन न्यूक्लियस डिवीजन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, या सीधे लिख दिया क्या दोबारा। और यहां पर कोशिका द्रव्य का, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन। न्यूक्लियस डिवीजन है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये देखेंगे पहला न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, नाभिक का, और फिर ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इसी को सेल डिवीजन कहा जाता है। ये फर्स्ट फेज है, पहला चरण है। ये देखिए सेकेंड फेज है, ये दूसरा चरण है।